सो बेसिकली जब इस वीडियो में बात करने वाले गाइज IQ9 AC के बारे में। ये फोन Snapdragon 888 प्रोसेसर के साथ आता है, और कैसे आप लोग जानते होंगे Snapdragon 888 कितना ज़्यादा पावरफुल है। और ये पर Snapdragon 888 पावरफुल होने के साथ साथ फ़ोन में कमियाँ भी देखने को मिलता है, जो कि है हीटिंग इशू। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है IQ के साथ जो जो फ़ोन आता है गाइज, IQ डिवाइस के साथ जो जो प्रोसेसर आता है, सारा प्रोसेसर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है। इसीलिए गाइस यहाँ पर Snapdragon 888 जैसे कि MI 11X Pro और MI 10 ऐसे फ़ोन में बहुत ज़्यादा हीट होता था, लेकिन ये फ़ोन में काफ़ी अच्छा हीट मैनेजमेंट कर लेता है। तो अभी टाइम पे गाइस क्या Snapdragon 888 के साथ IQ9 AC हम लोग बाई कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर इस फ़ोन में प्रोसेसर के बाद फ़ोन का एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गेमिंग जो लोग करते हैं उन लोगों के लिए, कैमरा। सो अगर आपको व्लॉगिंग करना है या फिर फ्रंट कैमरा से या बैक कैमरा से वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करना, एक बेस्ट कैमरा चाहिए, तो यहाँ पर गाइस आप लोगों को Sony IMX598 का फ्लैगशिप सेंसर भी देखने को मिलता है। तो इसलिए गाइस ये फ़ोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैमरा लवर या फिर गेमिंग के लिए। लेकिन ट्विस्ट आता है यहाँ पे, इसके ऑल्टरनेटिव बहुत सारा फ़ोन IQ ने लॉन्च कर दिया है। इसका कम प्राइस में हम लोग को IQ Neo 6 देखने को मिलता है, जो कि 25,000 में देखने को मिलता है। दूसरा फ़ोन हो जो IQ Neo 7 देखने को मिलता है, जो कि Snapdragon 888 का टक्कर देने वाला फ़ोन है। Dimensity 8200 के साथ आता है। तो उनको छोड़कर हमको IQ9 AC को बाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? ये वीडियो को बनाने का मोटिव है गाइस, बहुत सारे बंदे ने मेरे को कमेंट किया था कि IQ9 AC को पर वीडियो डाल दो, IQ9 AC का रिव्यू बता दो, कैसे चलेगा फोन। सो गाइस बात करने वाले और बाद में दोनों फोन के साथ कंपेयर करके दिखाएंगे IQ9 AC बेस्ट हो गई फिर नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते फोन के स्पेसिफिकेशन का। सो गाइस यहां पर Snapdragon 888 देखने को मिलता है परफॉर्मेंस में, AMOLED सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, वो भी काफी ज्यादा स्मूथ के साथ आता है। और यहाँ पर 120Hz का हम लोग को रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, 300Hz का टच सैम्पलिंग रेट ये फोन के साथ आता है। और अगर बात करें पीक ब्राइटनेस का, 1200 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है, 66W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये फोटो देख सकते हो IQ9 AC को मैंने बहुत दिन तक यूज़ किया है। और अभी अगर बात करें 2023 का अभी कैसा चल रहा है वो भी बताने वाला हूँ। यहाँ पर मेरा दोस्त के पास है अभी अवेलेबल, मैंने उसको ही दिया था फ़ोन। सो उसके फ़ोन को मैंने यूज़ करके देखा है, लेकिन फर्स्ट टाइम फ़ोन हम ला नहीं पाएगी, बहुत सारा कॉन्टैक्ट है, बहुत इमरजेंसी कॉल वगैरह आता है, OLX पे मैसेज वगैरह आता है, सेलर मतलब सेल करता है फ़ोन वगैरह, इसलिए उसका फ़ोन ला नहीं पाया, नहीं तो गाइस बिल्कुल मैं फ़ोन को लेके आता। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कोशिश करूँगा कि फ़ोन को लाने का। तो गाइस आप लोग कमेंट ज़रूर करना कि हैंड कैम वीडियो चाहिए फिर नहीं। तो गाइस चलो यार, अभी जो एक दिन मैंने यूज़ किया मतलब 3-4 घंटा फ़ोन में गेमिंग करा, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ा है, आप लोग जानते होंगे 43 डिग्री 44 डिग्री गर्मी पड़ रहा है, 46-47 डिग्री ऐसा फील हो रहा है। तो अभी फ़ोन बहुत ज़्यादा हीटिंग होने का है। लेकिन गाइस यहाँ पर गेम खेलने के टाइम पे गाइस जो प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलता है, हाँ फ़ोन यहाँ पर हीट करता है, लेकिन गाइस यहाँ पर दूसरा Snapdragon 888 का जो भी फ़ोन है वैसा हीट नहीं करता। लेकिन गाइस यहाँ पर अभी के टाइम पे यार ज़्यादातर फ़ोन ही हीट होता है गेमिंग करने के टाइम पे, और जितना पावरफुल प्रोसेसर होगा उतना ज़्यादा हीट होगा, ये चीज़ आप लोग जानते होंगे। सो यहाँ पर फ़ोन में आप बात करें टेम्परेचर का, 43-42 डिग्री तक लगभग पहुँच जाता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग गेम को फैन के नीचे बैठ के खेलोगे तो गाइस यहाँ पर परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन गाइस यहाँ पर एक प्रॉब्लम आप लोग को देखने को नहीं मिलता, अगर थोड़ा सा हीट भी हो जाता है तो लैग देखने को नहीं मिलता ये फ़ोन में। तो किसी पर अगर कोर सर्कल पर उतारते हो तब हम लोग को लैग देखने को मिल सकता है, जो कि हर एक डिवाइस में देखने को मिलता है, लेकिन ये फ़ोन में या फिर अदर कोई फ़ोन में भी गाइस यहाँ पर मेरे हिसाब से तो लैग होना नहीं चाहिए मैच में। और सिंपली कोर सर्कल के अंदर भाई iPhone 12 Pro iPhone 13 भी लैग होता है, तो ये फ़ोन तो होना ही चाहिए, लेकिन भाई फिर भी काफ़ी अच्छा लैग मैनेजमेंट कर लेता है। और यहाँ पर फ़ोन का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 8.5 लाख हम लोग एंटीटू स्कोर देखने को मिलता है फ़ोन में। और ओवरऑल अगर बात करें गाइस गेमिंग के लिए, कंपटीटिव के लिए, जायरोस्कोप में कोई स्लो नहीं है, टच इशू नहीं है, तो गाइस हम लोग कंपेयर करने वाले इस फ़ोन को IQ Neo 6 और Neo 7 के साथ। तो Neo 7 में आप लोग को Dimensity का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि है 8200 जो अंग्रेजी मतलब सुनना चाहते हैं उन लोगों ने बताया 8200, तो समझ लेना आप लोग। तो अगर आप कोई 30,000 से कोई भी गेमिंग फ़ोन को बाई करना चाहोगे तो हो सकता है फ़ोन को डे टू डे यूज़ करोगे, फिर गेमिंग के लिए 3 से लेकर 4 साल आप लोग यूज़ करना चाहोगे, वो पता था कि कोई एंड्रॉयड फ़ोन को हम लोग 3-4 साल यूज़ नहीं कर सकते हैं ज़्यादातर फ़ोन को, पर आप लोग चाहोगे जो लोग मीडियम गेम वगैरह खेलते हो उतना ज़्यादा नहीं खेलते वो लोग। तो यार कॉम्पो वगैरह के फ़ोन तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है, उसके बारे में बोलना नहीं चाहता, कॉम्पो में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देगा आपका, कोई जायरोस्कोप स्लो नहीं है, एम कनेक्टिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छा है भाई। एप्पल के बाद अगर बात करें तो IQ Neo 6 का ही एम कनेक्टिंग सबसे, सॉरी IQ9 AC का एम कनेक्टिंग मेरे को सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा है। IQ का सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ोन भी मेरे को यही लगा है गेमिंग के लिए, जो कि मैं यूज़ करता था 5-6 महीने यूज़ किया, और गाइस उसके बाद यार उस फ़ोन को एक्सचेंज कर लिया था,
पैसे का जरूरत था इसलिए। अभी कुछ लोग बोलोगे भाई मैं IQ नियो 6 को बाई कर सकता हूँ। हाँ आप लोग IQ नियो 6 को भी बाई कर सकते हो। स्नैपड्रैगन 870 है, IQ नियो 6 से बेटर फ़ोन है, और ये पर बेटर फ़ोन है मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बेटर प्राइस में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। 25,000 में 8G वाला वेरियंट देखने को मिल रहा है, जो कि 29,000 में आप लोग को IQ9 AC देखने को मिलता है। तो IQ नियो 6 से बाई करना आप लोग लिए बेस्ट होगा, लेकिन फिर भी जब पर IQ9 AC परफॉर्मेंस में आप लोग को 3 से लेकर 4 साल लॉन्ग टर्म अगर यूज़ करोगे, ट्रिपलेट बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, तो वो आप लोग को बैकअप 3 से लेकर 4 साल तक दे सकता है, इसीलिए मैंने बोला। नहीं तो जब हेवी गेमिंग करते तो कोई भी फ़ोन में यहाँ पर सभी यहाँ पर प्रोसेसर जो है पावरफुल प्रोसेसर, आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ पर कोर सर्कल में लैग होता है, कोई अगर बंदा आ जाता है हॉट ड्रॉप पे लैग होता है, तो अभी सभी डिवाइस में भाई लैग होता है, सभी डिवाइस में, कोई भी फ़ोन ऐसा नहीं है कि लैग नहीं होता, क्योंकि भाई यहाँ पर हाई भी कोई फ्लैगशिप एप्पल का फ़ोन हो, फिर कोई भी फ़ोन हो, कोई भी एंड्रॉइड हाई रेंज वाला स्नैपड्रैगन 888 लगाओ, 8 Gen 1 लगाओ, हर एक फ़ोन में लैग होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मतलब आप लोग उतारते जिस जगह पर कोर सर्किल या फिर BGMI अपडेट नहीं दे रहा है बहुत दिन से, सर्वर प्रॉब्लम है, इसीलिए गाइस ये प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर हम लोग डील नहीं कर सकते जब तक BGMI ना आए। तो यहाँ पर TDM खेलोगे या फिर नॉर्मल क्लासिक मैच खेलोगे प्रॉब्लम नहीं आएगा, जब भी आप लोग कोर सर्कल वाला मैप लगाओगे तभी आप लोग को प्रॉब्लम आएगा। तो हर एक फ़ोन में आएगा, उसके बारे में लोग बात नहीं करने वाले, उसका पूरा सॉल्यूशन मतलब जो हम लोग को देखने को मिलता है कि आप लोग लो वाला मैप को डाउनलोड करो, जो मैंने बताया था अपना लैग पिक्स का वीडियो में, दूसरे चैनल में Alex 2 में जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा या फिर कॉमेंट पर देखने को मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो अगर लैग होता है। और अभी अगर कंपेयर करें तीनों फ़ोन के अंदर IQ 9 AC, IQ Neo 7 और Neo 6, कैमरा के हिसाब से सबसे बेस्ट फ़ोन है IQ 9 AC, उसके बाद गेमिंग में प्राइस के हिसाब से IQ Neo 6 बेटर होगा, उसके बाद यार IQ 9 AC, लेकिन 9 AC का परफॉर्मेंस बेटर है, लेकिन वहीं पर थोड़ा सा हीटिंग ज़्यादा देखने को मिलता है IQ Neo 6 से थोड़ा सा, तो उसको आप लोग फ़ैन के नीचे बैठ के कंट्रोल कर सकते हो, गेमिंग एक्सपीरियंस आप लोग काफ़ी अच्छा निकल के दे देगा। और यहाँ पर थर्ड नंबर पर IQ Neo 7, गेमिंग काफ़ी अच्छा स्मूथ है, लेकिन MediaTek का प्रोसेसर और कैमरा फ्रंट कैमरा मेरे को उतना ज़्यादा खास नहीं लगा, सो मेरा एक्सपीरियंस मैंने आप लोग बताया। तो आप लोग जाना चाहते थे कि Alex भाई तेरे हिसाब से कौन सा फोन है पर बेटर होगा, तो मैंने बता दिया आप लोगों को, अभी आप लोग डिसाइड करो। मेरे हिसाब से गाइस प्राइस के हिसाब से भी आप लोगों को IQ Neo 6 की तरफ ही जाना चाहिए, और गाइस अगर आप लोग 9 AC भी लेना चाहते हो तो 9 AC परचेस कर सकते हो, लेकिन Neo 7 को कुछ भी हो जाए मैं रिकमेंड नहीं करता। अगर आपको अच्छा लगता है आप लोग बाय करो, हेट मत फैलाओ कि Alex भाई ये बोल रहा है, मेरे को पसंद नहीं, क्यों पसंद नहीं वो भी मैंने एक्सप्लेन किया वीडियो में। सो Neo 7 का बुराई कर रहा नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हो कि भाई तू Neo 7 का बुराई कर रहा है, नहीं मैं बुराई कर रहा नहीं आया, ये पर बस मैंने आप लोगों को फैक्ट बताया कि ये मेरे को लगता है, इन्फॉर्मेशन दिया मैंने आप लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, ऐसी जनरल कॉल आपको चैनल पर देखने को मिल जाता है, और जो चीज़ मेरे को गलत लगेगा वो अगर 1000 लोगों को भी सही लगे तो भी अगर मेरे को लगा हाँ ये चीज़ गलत है मैं उसको बताऊँगा ही। तो चलो इतना तो जान लो आप लोग, तो गाइस चलो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते भी ज़्यादा कोई ऐसा कॉन्टेंट के साथ, लव यू ऑल गाइस, और कमेंट करना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो कमेंट करके जरूर बताना, और तीनों फ़ोन में से आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा लगता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। आज ज़्यादातर कमेंट Neo 7 आएगा मुझे बताएं, न्यू डिवाइस थोड़े दिन जाने दो उसके बाद देखते हैं। तो चलो गाइस यार लव यू ऑल।